हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। विंकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं व्यापम से वैकेंसी जो आई थी, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, गार्डन इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर पोस्ट थी, उसका मॉडल 3 आज हम कवर करने जा रहे हैं। और मॉडल 3 में हम जो पेपर कवर करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और जिनके नेक्स्ट एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन इसके दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट अलॉन्ग विद द करेक्ट प्रीफिक्स आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन। इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। तो क्वेश्चन दिया गया है, द इंक्वायरी शोड दैट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैड बीन कैरिड आउट इन अ वेरी डैश रेगुलर मैनर। आपको बताना है इसमें प्रीफिक्स कौन सा यूज किया जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है रेगुलर, रेगुलर लिखा हुआ है। रेगुलर के साथ में अगर आप प्रीफिक्स देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका इरेगुलर, क्योंकि यहां पर नेगेटिव बात चल रही है। द इंक्वायरी शोड दैट, इंक्वायरी के बारे में बात चल रही है, तो यहां पर आ जाएगा इरेगुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा IR। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको बताना है कौन सी प्रीपोजिशन यहां पर यूज की जाएगी। इट इज डिफिकल्ट डैश अ स्मॉल सुपरमार्केट डैश कंपीट डैश द बिग सुपरमार्केट। देखने से ही पता चलता है इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर, यहां पर आएगा क्या, फॉर अ स्मॉल सुपरमार्केट टू कंपीट, यहां पर आ जाएगा टू कंपीट, और यहां पर आ जाएगा विथ द बिग सुपरमार्केट। तो इसका आंसर होगा ये वाला, फॉर टू और विथ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इसमें दिया गया है ग्रोविंग चिल्ड्रन मस्ट वियर डैश क्लॉथ्स, जो बढ़ते हुए बच्चे रहते हैं उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो उनको पहनना चाहिए लूज कपड़े। इसका आंसर हो जाएगा लूज, ग्रोविंग चिल्ड्रन मस्ट वियर लूज क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट अलॉन्ग विद द करेक्ट प्रीफिक्स आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। प्रीफिक्स इसमें अगेन हमें यूज करना है, तो देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक डैश बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। दो कंट्रियों के बीच की बात चल रही है, उनमें इकोनॉमिक बैलेंस की बात चल रही है, तो यहां दो कंट्रियों के बीच में क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, तो बैलेंस के साथ में क्या लग जाएगा, एम। इसका आंसर होगा एम। तो देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक इम्बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। नेक्स्ट, अ क्रैक हैड स्टार्टेड डैश अपीयर जस्ट द लाइट डैश द सेलिंग। इसका आंसर देखिए, द अ क्रैक हैड स्टार्टेड, तो सबसे पहले हम यहां पे अप्लाई करते हैं टू अपीयर, टू अपेयर जस्ट अबव द लाइट डैश द सेलिंग, तो ऑन द सेलिंग होता है। तो इसका आंसर होगा क्या, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा कि अ क्रैक हैड स्टार्टेड टू अपीयर जस्ट अबव द लाइट ऑन द सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। जो वर्ड दिया गया है सफिशियंट, सफिशियंट की सिमिलर आपको बताना है, तो सफिशियंट का सिमिलर होता है आपका इनफ। द रेसिपी शुड बी सफिशियंट फॉर 5 पीपल, और सफिशियंट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको कंजंक्शन का यूज करना है। अब देखिए, सेंटेंस दिया हुआ है यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट विन। सेंटेंस को देखने से ही पता चल रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम जरूर करना चाहिए। यू विल नॉट विन, तुम नहीं जीतोगे, तो यहां पर क्या जाएगा, अदरवाइज
You must work hard, otherwise you will not win. Next question is, a sentence with an underlined word is given below. Find the word which is opposite to the highlighted word from the given option. Ab dekhi, he was rewarded for showing great courage in the battle. Opposite word हमें बताना है. Opposite word हमें बताना है तो courage. Courage का opposite word होगा. Courage का मतलब होता है साहस और cowardice का मतलब होता है कायरता. तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कोवर्डाइज. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. द डिफीट इन द मैच हैड एन एडवर्स डैश ऑन हिम. तो इसका आंसर हो जाएगा इफेक्ट. इफेक्ट का मतलब हो जाएगा यहां पर प्रभाव. द डिफीट इन द मैच हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन phrasal verb is given below. Out of the four options, choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. Computerization has enabled us to do away with a lot of paperwork. ये जो underlined word दिया गया आ, to do away with a, इसमें हमें phrasal verb change करनी है इसकी. तो हमें बताना है क्या क्या इसका answer आएगा. तो इसका answer आ जाएगा discard. Computerization has enabled us to do away with a lot of paperwork. तो इसका आंसर होगा क्या? Discard हो जाएगा. Two sentences are given below with a blank in each. Fill in the blanks with a pair of suitable words from the four options for each blank respectively. She was in Mumbai to dash on award for her latest novel. दूसरा सेंटेंस दिया गया, the government has few options dash to keep interest rates. तो इन options में से हमें पता करना है कि कौन सा options इसमें set करेगा. तो देखते हैं, first हो जाएगा कि ये जो she was in Mumbai to, Mumbai हमें है तो कुछ accept करे, award accept करेगी. तो first तो clear हो गया कि accept आना है, right? अब next में देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्सेप्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज फ्यू ऑप्शन. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा. तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो हो जाएगा ये, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. आउट ऑफ द गिवन फोर वर्ड्स वन इज स्पेल्ड इनकरेक्टली. फाइंड द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड. इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है. तो देखते हैं, क्राइटेरिया एब्सोल्यूट अबंडेंट स्कैरसिटी. तो यहां पर देखिए, एब्सोल्यूट, इसमें डबल एल दिखाई दे रहा है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी आपकी गलत हो जाएगी. अ सेंटेंस विद अ विद एन अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो. आउट ऑफ द फोर ऑप्शन चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब यहां पर जो दिख रहा है लुक्ड इनटू, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं द पुलिस लुक्ड इनटू द केस. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेटेड, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस. अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड इज गिवन बिलो. फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. ही वॉज अ फीबल हेल्पलेस ओल्ड मैन. यहां पर हमें जो बताना है वो बताना अपोजिट वर्ड फीबल. फीबल, ही वॉज अ फीबल हेल्पलेस ओल्ड मैन. फीबल का मतलब होता है कमजोर. तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग. फ्रेंड्स, मेरी वेबसाइट www.vinkareducation.com पर ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसका एग्जाम 28 तारीख को होने वाला है. 28 और 29 को उसका पेपर है. तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप मेरी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट सीरीज देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जान सकते हैं कि अभी आप की प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच सकती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आप मेरी वेबसाइट www.vinkareducation.com से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं. आप मेरे फेसबुक पेज विंकर एजुकेशन को लाइक कर सकते हैं. आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप
जिसका नंबर है 9752730392, को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल शेयर करने के लिए।